2023 को पुलिस को किशनपुरा चौकी को ये सूचना मिली थी कि वहाँ से एक एटीएम तो यस बैंक का एटीएम था वो रात को खड़ा गया था और साथ में जो उसमें एटीएम की लूट करने वाले आरोपी थे एटीएम की मशीन को उठा के ले गए थे। ये घटना 26 से 27 मई के बीच की रात को इस घटना को अंजाम दिया गया था। फॉर्चुनेटली इस एटीएम के अंदर कुछ पैसा नहीं थे क्योंकि एटीएम काफ़ी समय से बंद पड़ा था और उसके अंदर कैश भी नहीं था, परंतु ये हमारे लिए एक संगीन घटना थी क्योंकि इस एरिया से पहले भी दो एटीएम जो फाड़ने की वारदात हो चुकी थी। इसके अलावा 2020 में भी इसी एरिया से एक और एटीएम उखाड़ा गया था। जो इस एरिया से जो एटीएम उखाड़े थे उसमें भारी मात्रा में पैसा भी गया था। पिछले जो फरवरी में वारदात हुई थी उसमें 24 लाख रुपए की लूट हुई थी और उससे पहले जो सितंबर में जो वारदात हुई थी उसमें लगभग 17 लाख रुपए की लूट हुई थी। तो इस घटना की सत्यता को देखते हुए ये बड़ा एक सीरियस मैटर था क्योंकि एक ही स्थान पर बार बार वारदातें हो रही थी। तो हमने CIA 1 टीम इंस्पेक्टर दीपक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। इस घटना के बारे में पुलिस के पास कुछ भी सुराग नहीं था और पहले भी संगीन वारदातें हो चुकी थी लेकिन उनमें भी कोई सुराग नहीं मिला था काफी प्रयत्न करने के बावजूद। तो इस घटना को हमने काफी सीरियसली लिया और एक टीम को लगातार केवल इसी काम पे कार्य करने के लिए निर्देश दिए गए। हमारे पास जब CCTV फुटेज संभाले गए तो उसमें एक संदिग्ध फॉर्च्यूनर गाड़ी जो ग्रे कलर की फॉर्च्यूनर गाड़ी थी वो एक दिखाई थी। उस गाड़ी के हमने CCTV कैमरे का अध्ययन करके उसका रूट ट्रेस करने की कोशिश की। ये जो आरोपी थे ये काफी समय से वारदात कर रहे थे और काफी शातिर तरीके से वारदात कर रहे थे। ये किसी भी तरह का सुराग इन्होंने कभी तक किसी भी वारदात में नहीं छोड़ा था, ना फिंगरप्रिंट्स मिले थे ना इनके पास कोई मोबाइल फोन होता था। तो ये हमारे लिए चैलेंज था। हमारे पास केवल एक सुराग था कि ये फॉर्च्यूनर गाड़ी जो ग्रे कलर की फॉर्च्यूनर गाड़ी है उसमें वो आए थे। हमारी टीमों ने लगातार मेहनत करते हुए आसपास के क्षेत्र के कैमरे खंगालने स्टार्ट किए। हमारी टीमों ने लगभग 200 किलोमीटर के एरिया में 200 किलोमीटर के एरिया में 500 से ज्यादा कैमरों का 300 से 400 घंटे के जो फुटेज है उसका अध्ययन किया। उससे हमें पता चला कि ये जो इसमें वारदात करने वाले जो आरोपी हैं बार बार वारदातें दे रहे पर किसी भी मेन हाईवे का यूज नहीं करते हैं, कच्चे रस्तों का यूज करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक चैलेंज था कि किस तरह से इसको ट्रेस किया जाए। परंतु जो ये इतना CCTV फुटेज का हमने जो अध्ययन किया तो हमें रात्रि का जो फुटेज था उसमें बिल्कुल एक एक झलक को भी देखते हुए पुलिस की टीम आगे बढ़ती रही और धीरे धीरे कच्चे रास्तों से आगे बढ़ते बढ़ते अब कुरुक्षेत्र से होते हुए पंजाब के अंदर ये गाड़ी है कुछ एक एरिया में जाके हमारे से ओझल हो गई। हमारी टीम ने लगातार 2 या 3 दिन वहीं पर रहते हुए आसपास के 30-40 गांवों में खुद से मोटरसाइकिलों पे पैदल गश्त करके रैकी करके ये पता करवाया कि एक फॉर्च्यूनर इस ग्रे कलर की फॉर्च्यूनर है एक शादीपुर गांव है वहां पे किसी एक व्यक्ति ने गांव में एक डेरा बना रखा है। उस डेरे के आसपास एक निर्माणाधीन मकान है उसके अंदर खड़ी रहती है। उसके आधार पर उस मकान की सर्च की गई। उस सर्च में हमें ये फॉर्च्यूनर गाड़ी ग्रे कलर की वो मिली। उस मकान की सर्च के दौरान कुछ गैस कटर वगैरह भी मिले, साथ में नंबर प्लेट्स। इस गाड़ी पे ये एक फेक नंबर प्लेट लगा के चलते थे। वो नंबर प्लेट जो नंबर था वो वैसे स्विफ्ट गाड़ी का नंबर लगा रखा था क्योंकि वो फेक था, लेकिन ये फॉर्च्यूनर गाड़ी पे वहां जाके इन्होंने इसका नंबर प्लेट वगैरह चेंज कर लिया था। फॉर्च्यूनर गाड़ी को जब खोल के देखा गया तो उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी को केवल इसी काम के लिए मॉडिफाई करवा रखा था। तो पीछे की सीटें हैं वो सारी उन्होंने निकाल रखी थी। जो गाड़ी को इस तरह से मॉडिफाई कर रखा था कि कुछ सामान जैसे एटीएम का जैसे भारी सामान है उसको अंदर डाल के ले जाया जा सके तो भी कोई परेशानी ना हो। हमें बाद में सूचना मिली कि इस फॉर्च्यूनर गाड़ी का जो मालिक है सुखविंदर उत्सुका जो इस गिरोह का सरगना भी है उसके बारे में हमें सूचना मिली कि ये करनाल एरिया के अंदर फिर से वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पे रेकी कर रहे हैं क्योंकि इस वारदात में इनके पास कुछ भी पैसे हाथ नहीं लगे थे, केवल 8,000 रुपये का ही नुकसान हुआ था। ये फिर से वारदात करने के लिए यहाँ पे रेकी कर रहे थे और रेकी के दौरान हमारी टीमों ने इनको काबू किया। इनसे पूछताछ में ज्ञात हुआ कि इन्होंने पानीपत की है केवल ये 3 जो संगीन वारदातों को अंजाम दिया हुआ है, उसके अलावा भी इन्होंने लगभग
24 ऐसी संगीन वारदातों का अंजाम दिया हुआ है जो पूरे हरियाणा में और पंजाब में अलग अलग जिलों में इन वारदातों को अंजाम दिया है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि सुखविंदर और सुक्का जो कि संगरूर जिले का रहने वाला है वो आजकल शादीपुर में पटियाला जिले के अंदर वहाँ पे गांव में डेरा बना के रहता है। वहाँ पे इसे पूछताछ में बताया कि ये आर्मी से भगोड़ा है। 1997 में ये आर्मी ज्वाइन किया था, 2001 के अंदर आर्मी को छोड़ के वहाँ से भगोड़ा घोषित हो गया था। उसके बाद 2017 से आज 6 साल हो गए, 2017 से अभी तक लगातार ये वारदातों को अंजाम देते आ रहे हैं। 2017-18 में भी उन्होंने 18 जून की वारदातों को अंजाम दिया। उसके बाद ये वहाँ से दुबई चला गया। दुबई में इन्होंने कुछ समय के पास काम करने के बाद ये वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल कंडीशन इसके ठीक नहीं रही, इसलिए वापस आ गया। और उसके बाद से लगातार हर समय कुछ समय के बाद में ये वारदातों को अंजाम देते जा रहे हैं। इन्होंने पूछताछ में यह भी बताया कि अपने साथ वारदात को अंजाम देते समय भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी लेके चलते थे। यदि किसी तरह की घटना हो, यदि पुलिस की हो या कोई अवरोध करने का उत्पन्न करने की कोशिश करे तो उसके लिए भी ये पूरी तैयारी करके आते थे। इसी तरह हमारे यहाँ पानीपत में भी उरलाना में भी 2020 में घटना हुई थी जिसमें ये ATM उखाड़ रहे थे। वहाँ पे गांव वाले एकत्रित हो गए थे और पुलिस की टीम भी वहाँ पे आई थी, तो वहाँ पे भी उन्होंने गोलियाँ चलाकर वहाँ से भाग निकले थे। उसके बारे में भी मुकदमा दर्ज है। इसी तरह सालवन गांव में भी करनाल में इन्होंने एक ATM उखाड़ा था। वहाँ पे जब पुलिस पीछे हुई तो वहाँ पे भी इससे एक हथियार वहीं पे मौके पे ही बरामद हुआ था। इस तरह से ये हथियार और पूरी तैयारी के साथ ही ATM लूट की वारदातें करने के लिए आते थे। सुखविंदर सुक्खा अपने भाई जिसका नाम भूपेंद्र है उसके साथ और 2 नाभा के एक देवेंद्र है और एक गुरमीत, ये चारों लोग इन वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इनके अलावा इनके कुछ साथी थे जो पहले से ही डोंकी के माध्यम से विदेश जा चुके हैं और इन लोगों का भी इरादा था कि किसी माध्यम से किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके विदेश जाया जा सके। उससे पहले ये पानीपत पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन्होंने एक एक करके अभी तक पिछले 6 साल में लगभग 24 वारदातों को अंजाम देने के बारे में अभी तक स्वीकार किया है। इसके बारे में अभी तक और पूछताछ जारी है। जैसा हमें ज्ञात हुआ है कि इस तरह से इन्होंने करोड़ों रुपए की जो ATM की लूट है उनको अंजाम अभी तक ये दे चुके हैं। आज तक ये किसी भी मामले में अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए थे। जो सुखविंदर सुक्का है इसके खिलाफ एक NDTS एक्ट का मुकदमा जरूर दर्ज है, परंतु पिछले 6 सालों से लगातार वारदातों को अंजाम देने के बावजूद किसी भी वारदात में अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हुए थे। इन्होंने अपना एक बहुत ही क्लोज ग्रुप बना रखा था, ये दोनों भाई थे, उसके अलावा भी जो 2 साथी हैं वो भी भाई थे। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन कहीं से भी लीक नहीं होती थी, परंतु जो टीम है उसने अथक प्रयत्न किए। लगातार जो शाम की 12 बजे से लेकर 1 बजे तक की ऐसी फुटेज है उनका केवल एक झलक के आधार पर भी CCTV फुटेज को देखते हुए आगे बढ़ते रहे और आखिर इस कार्य में हमें सफलता मिली है। ये ATM को उखाड़ने के बाद में करनाल एरिया के अंदर मुनक के पास में नहर है उसके अंदर वहाँ पे इसको काट के इसको नहर में जो ATM है उनको डाल देते थे और पैसे वहीं से निकाल के ले जाते थे। इनकी निशानदेही पे 4 से 5 जो कटे हुए ATM हैं वो नहर से गोताखोरों की मदद से हमने बरामद किए हैं। इसके अलावा हर वारदात करने से पहले 2 या 3 दिन ये उस जगह की रैकी करते थे और रैकी के दौरान जिस गाड़ी का प्रयोग करते थे, अलग गाड़ी का प्रयोग करते थे, उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। इनसे आगे की पूछताछ जारी है। इन्होंने अभी तक जो स्वीकार किया है उसमें 6 वारदातें पानीपत की, 5 वारदातें करनाल की, 3 वारदात कैथल जिले की, इसके अलावा अम्बाला, कुरुक्षेत्र और सोनीपत जिले की वारदातें जो हरियाणा की इन्होंने स्वीकार की है। इसके अलावा पंजाब में भी अलग अलग जिलों से लुधियाना, संगरूर, मलेरकोटला सब जगहों से कुल मिला के 7 वारदातों को इन्होंने अंजाम देने के बारे में स्वीकार किया है। कुछ वारदातें इन्होंने वो भी स्वीकार की जिसके अंदर ये इन्होंने काटने का ATM ले जाने का प्रयत्न किया परंतु उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सका। इसमें क्योंकि ये पिछले 6 साल से वारदातों को अंजाम दे रहे थे उन्होंने काफी कुछ कैश खर्च कर दिया या फिर मोटरसाइकिल खरीदने में, घर बनाने में कर दिया, लेकिन हमारे लिए रिमांड पे 4 दिन के रिमांड पे इसके दौरान इनसे कैश की भी रिकवरी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर क्या कुछ
उम्र है इन सबकी? ये लगभग सभी लोग 40 से 50 के ऊपर के हैं, 43-42 एज के हैं। सुखविंदर, भूपिंदर, इसी तरह देवेंद्र और गुरमीत, ये दोनों भी लगभग 40 साल की उम्र के। कहाँ से पकड़े गए हैं सर? ये करनाल जिले के अंदर मुड़क के पास पास, क्योंकि ये दोबारा फिर पिछले वाले वारदात के अंदर इनका कुछ कैश हाथ में आया था तो दोबारा रैके करने आए थे, तब हमारे टीम ने इनको गिरफ्तार किया। सर, एटीएम लूट के अलावा भी किसी और तरह की वारदात को अंजाम दिया? सारी एटीएम नहीं, ये सारी केवल एटीएम लूट की ही वारदातें हैं, और यदि कोई अवरोध उत्पन्न करता था तो वहां पे गोली चलाने की उस तरह की वारदात होती। चारों लोग पकड़े गए? हाँ जी, चारों लोग हमारे गिरफ्तार हो चुके हैं, चारों लोग 4 दिन के रिमांड पे। मास्टरमाइंड इसमें सुखविंदर और सुखा, ये सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, जो आर्मी से बड़ा भी है, और इसी का आइडिया था। ये पैसे कमा के पहले दुबई भी चला गया था, परंतु वहां पर वापस आके मारता तो अंजाम देना था। ये फिर से सर विदेश जाने की वो तैयारी कर रहे थे? हमेशा थे, क्योंकि इनके पास पासपोर्ट भी थे, लाइसेंसी वेपन भी बना रखा था, हमेशा थे कि ये जल्द ही वापस विदेश जाने की तैयारी करते।